सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल डॉक्टर पिजन केयर। और आज मैं एक बहुत ही फेमस कह लो भाई, बहुत ही ज़्यादा फेमस प्लेयर और बहुत ही अच्छे उड़ाने के शौकीन केत आशीष, इनका YouTube चैनल है। और भाई इनके भाई सब्सक्राइबर तो होंगे 70+, आई थिंक 70+ इनका सब्सक्राइबर है। भाई का केज है जहाँ ये जोड़े रखते हैं। अब उड़ाने की जो तैयारी होगी भाई की वो अगले साल से होगी। ये जो है थोड़ा सी दीवार बन गई जिसकी वजह से ये उड़ा नहीं पा रहे हैं। और बहुत ही अच्छे उस्ताद के शागिर्द है और ये हमारे आशीष भाई। मुझे ये जो बनने की वजह से सारा दिक्कत हो गई, अब ये देख लीजिए कि 1.5 साल से कबूतर नहीं खुले हैं। आपने देखा होगा जो सब्सक्राइबर है हमारे तो जानते ही हैं कि शायद कोई वीडियो नहीं आई उड़ने की ना बाहर छत की। तो आशीष भाई ये मतलब शौक अधूरा ही सा रह रहा है इसकी वजह से ना छतों की। फाउंडेशन है कर ही नहीं सकते क्योंकि मद्रास जी आपको पता है कितनी चटक होती है, वो बैठ ही नहीं सकता। बैठ गया तो फिर वो आएगा नहीं, बैठ ही नहीं सकता ना, तो फिर भी आ जाते हैं। देसी सीधा उतरता है, उनमें चटक होती थोड़ा, कोई छत पे आ गया, इधर कोई बच्चे ने कुछ हिला दिया, उड़ जाएगा तुरंत, उड़ गए फिर गए। बहुत दोस्त आशीष भाई यहीं से, अभी जो वीडियो चल रही है मैं क्लोज नहीं करूंगा, कैसे शौक लगा, कहाँ से आया और कितना टाइम हो गया आपको इस शौक करते हुए? शौक करते हुए आप ये मान के चलिए कम से कम 5 साल हो गए। 5 साल में, बीच में पहले गांव में शौक किया करते थे, पहले मेरे पापा, और उससे मेरे को भी शौक लगा था। मतलब ये यूं कह लो कि विरासत में मिला है, विरासत में, फिर बीच में एकदम बंद रहा, बिल्कुल क्लोज। हाँ, मैं 7-8 साल का था उसके बाद से बंद रहा, और अब जाके मैंने 4-5 साल पहले शुरू करा है। अभी मेरे साथ 32 साल की उम्र हुई। अच्छा, तो मेरा सामने भाई है, गोले लेके आया था, ये दिखा दी छत, अब चिड़िया पाल रखा है, ये वाली छत है, ये जो जिसमें व्हाइट कलर की टंकी है, ये तो ये गोले लेके आया था भाई। तो इसमें क्या हुआ कि इसको देख के शौक लग गया। अच्छा, मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ फिर से, मैं भी इसको बनाया हूँ, उसमें लॉकडाउन का टाइम था, हाँ याद होगा, मैं घर पे ही रहते थे। बहुत तो आपके ना बहुत फैन है यार यूट्यूब का, बहुत सारी वीडियो आपने फिर घर नहीं जानते होंगे जो हमारे सब्सक्राइबर होंगे। तो वहाँ से फिर 2-3 जोड़े लाया, फिर मद्रासी का शौक लगा, फिर 2-3 साल हो गए उस्ताद जी की पार्टी ज्वाइन करी। तो वो कैसे सोचा कि मम्मू उस्ताद जी की ही पार्टी ज्वाइन करनी है? बस एक हमारे मोनू भाई है, उनसे मोनू भाई का पूरा डिटेल बताओ, जैसे अच्छे बाजी उड़ाते थे मोनू भाई, भी मद्रासियों का शौक करते हैं, मद्रासी पंजाबी का ज्यादा शौक करते हैं। अच्छा, तो पंजाबियों का शौक आपको नहीं हुआ? है, मेरे को भी है, लेकिन उतना नहीं कि हमारी छत के हिसाब से ना, तो शुरू में मद्रासी पसंद थे और सबसे पहले जाया कम होते। ये है कि 11 उड़ाओ तो 11 मिल जाएंगे, तो थोड़ी सी मेहनत कर दो ना तो एक छत हिल जाते हैं, तो फिर अगर तुम्हारे पास 10 तैयार हैं तो 10 रहेंगे। तो मोस्टली अपने पास जो अपने पास ब्रीड है वो किसकी है सबसे ज्यादा आपके पास इस समय? टोटली मद्रासी है सारे, मद्रासी, एक पंजाबी होगा वो भी देशों से क्रॉस। अच्छा, और एक जोड़ा कैरियर का, बाकी टोटली मद्रासी। तो कैरियर का भी शौक है, मतलब लंबे चेहरे का? मैं गांव गया था, एक शूट करी थी मैंने 2 साल पहले, उस पर अच्छे व्यू आए थे। अच्छा, कैरियर का, उसके बाद 2-3 शूट करी मैंने, फिर कैरियर का मेरे को देखने में अच्छे लगे, मतलब बहुत ही अच्छे लग रहे हैं कौवे की तरह। मेरे हिसाब से मद्रासी खत्म हो, कैरियर ही देखने को मिलेंगे, वही एक जोड़ा बना रहा, उसके ब्रीड जोड़ा लगते हैं, ब्रीड होने लग जाएगी तो बाकी सब हटा देंगे। अच्छा अच्छा, तो फिर कैरियर ही करें, फिर छत कभी बनेगी तो फिर आगे जाके मद्रासी का शौक करेंगे। यार ये ब्रीड जो आई है अपने पास, ये कहाँ से आई है ब्रीड? ये अपना जैसे वीडियो शूट होती है तो अपने कुछ भाई लोग हैं उनके यहाँ छत पर अच्छा लगता है तो उसे खरीद लेते हैं, या कोई गिफ्ट दे देता है, मतलब ऐसे ही आता है। एक्चुअली क्या है, तो जो महंगी महंगी, अभी मैंने मेरे हिसाब से शायद 14,000 रुपए के 3 जोड़े खरीदे थे आपने, अनिल भाई नारायणा से। अच्छा, वही सबसे महंगे जोड़े, बाकी तो 1,000, 1,500, 1,200, मतलब ठीक है, ब्रीड अच्छी होनी चाहिए। पैसा खरीद के लाए, जिसे कभी मांगे नहीं भाई, मांगना तो नहीं है। अभी लास्ट टाइम मैंने एक जहीर भाई पसंद दिया, मैंने मना ही कर दिया, मैं लाया नहीं। मैंने भी लास्ट टाइम एक वीडियो शूट किया था, जहीर है भेटा से, अब बहुत ही मोटी, किसी से पैसे लिए कभी? अगर शौक के तो बिल्कुल नहीं है, अगर कोई सेल की बार बार व्यू डलाता तब उससे ले लेगा भाई, तू पेट्रोल खर्चे दे वैसे कभी इससे कोई चांस नहीं। ठीक है भाई, फिर से दिखा देते एक बार लास्ट व्यूज इधर, बहुत ही खूबसूरत जगह भाई के घर। और ये कौन सा जगह? देखिए, अभी मैं सर्दियों में, पिछले सर्दियों में जोड़े तोड़े थे मैंने। अच्छा, ये कौन हटा के बाहर रख दी, और 1 साल से ज्यादा हो गया, अभी तक पेटी बाहर ही पड़ी है, जोड़े में लगाए। अच्छा, कौन सी जगह भाई अपनी? सुल्तान मंगोलपुरी पड़ता है। ठीक है भाई, फिर आपको शौक कराता हूँ भाई का, ज्यादा ना टाइम लेके आप ये देख लीजिए व्यूज ऑलवेज। मोस्टली अभी सारे कबूतर परंत हो गए हैं और छत पे भी 1.5 साल से खुले नहीं है, तो कोशिश करूँ मैं बाहर पकड़ के दिखाऊंगा, छोड़ के दिखा पाऊंगा नहीं, छोड़ कर आपको नहीं, नहीं हम आप जाल के अंदर दिखाएंगे। हाँ बिल्कुल, जाल के अंदर दिखाएंगे। ठीक है, दिखाते बढ़िया बढ़िया जो हमारे हैं। ठीक है भाई, लगे बताना भाई कमेंट करके। ठीक है, और भाई का चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, अब तो जरूर होंगे। थैंक यू। तो दोस्तों, ये फर्स्ट जोड़ा है जो मेरा, शौक करिए आप, इंग्लिश कैरियर होगा। इनका मैं कुछ पकड़ के भी दिखाऊंगा, अभी आप ऐसे इनकी पोजीशन देखिए, ओवरव्यू भी देख लीजिए,
ये जोड़ा है गुलाबी डोरों में ना रहिए, इसकी भी गुलाबी डोरे हैं ऐसी नहीं उसकी, हाँ और हल्की है बहुत, अभी पट्टी है ये, अभी मेरे हिसाब से इसको एक साल हुआ है। दोस्तों नर का शौक करिए, देखिए क्या शानदार पल के ले रहा है अभी। कितनी एज होगी आशीष भाई इसकी? इसका मैं अभी लेके आया हूँ, मेरे को 3 महीने हुए हैं शायद, तो पीछे बैकग्राउंड नहीं पता, हाँ उसका नहीं कह सकता मैं, लेकिन नर अच्छा है ये, अच्छा लगा मेरे को, पनंद भी होगा देख लीजिए, कैच करा था मैंने, जाल में खुले नहीं है बाहर, और इनकी इनके अंदर उड़ान होती है, लेकिन मेरे हिसाब से इसकी नाक के नक्शा देखेंगे ना आप तो ये मेरे हिसाब से 1.5 साल से ज़्यादा का नहीं होगा फूलों के साथ, क्योंकि ये देखिए 1 साल की है, इसका नर जरूर था ना, वो भी 1 साल का था, इससे ज़्यादा गहरी पलके थी उसकी। अच्छा अच्छा, तो ये जो मर गया, मैं फोटो पड़ी होगी दिखाऊंगा आपको। हाँ तो मेरे हिसाब से अभी जवानी पट्टा ज़्यादा, उम्र दराज नहीं है, इसकी माध्यम दिखाता है। ये मैं नवंबर में लेके आया था, तब ये थी 2 कली की, अब ये नवंबर आएगा तो शायद 1 साल की हो जाएगी। भाई माध्यम वाकई बहुत तगड़ी है भाई, आशीष भाई के पास जो दाना वाना है बहुत अच्छा, ये देख लो मादिन थोड़ा बुरा मान रही है। अब ये 11 महीने की मादिन है नवंबर के हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो, कुंदे देखिए इसके, और शानदार शानदार जोड़ा भाई का ये, और एक ही है लेकिन बहुत तगड़ा है। ठीक है अब नेक्स्ट जोड़ा दिखाते हैं भाई, ये देखो अब आप इनको देख सकते हो, बैठक देख सकते हो, वहाँ पे ना बहुत छोटा था, डरे हुए थे इसलिए सही व्यूज नहीं आ रहा था। ये ट्रिंकर का साइज है इस समय 11 फीट होगी, और उसके बराबर है एकदम, सोचो जबकि वो नीचे पे रखा हुआ है, जबकि कुंडे पे रखा हुआ है। इन पे उड़ान होती है आशीष भाई, मैं जानता हूं लंबी रेस से घोड़े हैं ये, लंबे मतलब वो जिन्हें दौड़ बोलते हैं, हां उमर की तरह चलते हैं ये। अच्छा, लेकिन छत के बड़े पक्के होते हैं ये, किसी की छत पे नहीं बैठेंगे। देख लो भाई मैं और जितना पास ले जा सकता हूँ, बता दूं मैं जो मैंने पढ़ा था कि इनका भी अंश है मद्रासी कबूतरों में, जो लंबी बैठक के होते हैं ना, लंबे चेहरे के मद्रासी, उनमें इन्हीं का ही अंश है, मतलब ये भी करके जो बने हैं विरासत में इनसे बने हैं। इनका अगर पीछे इतिहास देखें ना तो मद्रासियों में इनका क्रॉस भी है, मतलब ब्लड है इनका, इसमें 4 ब्लड है, ड्रैगून नाम का पीजन है, ड्रैगून इंग्लिश कैरियर जिन्हें बगदादी बोलते हैं, बगदादी तो खैर अलग हो गया, वो जो नीचे चेहरा होता है तोते टाइप के जो होते हैं। फोटो दिखा दे, देखिए दोस्तों जोड़ा, ये पिलखों का जोड़ा आशीष भाई का, पिलखों का जोड़ा है ये, मादिन भाई ये अनिल भाई से लाया था ये 2500 रुपये की। अच्छा, और नर ये हमारे अंशुल भाई ने गिफ्ट दिया था जो जम्मू से वाक आ गया था, सारे कबूतर उन्होंने बेच दिए थे तो ये पड़ा हुआ था, तो कहते अंशुल भाई की ले जाओ यार, इसके ब्रेड बच्चे निकलवा के देखना। आशीष भाई इसकी कोई हिस्ट्री है जो बहुत ही यादगार? 12 घंटे उड़ा हुआ ये। अच्छा, खेल पानी के अंशुल भाई के पास, एक बार इसकी ना आग दिखाएंगे करीब, ईमेल की तो मैं, हाँ इसको यहाँ डाल दो इसके अंदर, आग दिखाओ इसके, कुंदे देखो पहले, कुंदों की कुछ पहचान बताओ जो नए खिलाड़ी होते हैं। चौड़े कुंदे होने चाहिए और इनमें पारदर्शिता होनी चाहिए, पीछे झलका नहीं चाहिए, जितना हल्का रहेगा ना उतना अच्छा कबूतर उड़ता है, जो उस्ताद ये कहना है, एक के ऊपर एक होने चाहिए। जो देख लो भाई इसकी 10वीं गली 9वीं गली सभी से बाहर है, अभी वो झाड़ रहा है समझ लो नए पर आ रहे हैं, तो इसकी 9वीं गली बड़ी है और बड़ी ही होनी चाहिए। अच्छा ये देखो भाई, ये हमारे फेमस यूट्यूबर हैं आशीष भाई, इन्होंने मुझे आज मौका दिया है, बस भाई आपका बड़ा कराने का, इतना टाइम मिलता नहीं है अभी, और कम से कम 3 महीने बाद, पंजे देखिए यार बिल्कुल नीले, बहुत, और चेहरा वाला कुछ नहीं है ना, पलकी है ना चेहरा इस कबूतर की देखिए, और 10-12 घंटे उड़ा हुआ है ये, सोचो ये देखो भाई, ये काली आँखें वरना मैं अंदर तक घुस जाता आपके लिए। हाँ ये मैं कोई बहुत ही लाया था मैं, ये अनिल भाई के यहाँ सही है, अनिल नारायणा के यहाँ से देखिए, चोटीदार मादिन है, वैसे मादिन बना था अपने चोटीदार नर के लिए, एंटीक आँखों का है वो। अच्छा, तो मेरे को इससे ज़्यादा अच्छा जोड़ा लगा कि पिलके पिलके ये एक एंटीक आँखों का जो आपने अभी भाई कहा इस वीडियो के माध्यम से, मैं ये जानना चाहता हूँ एंटीक आँखों में क्या उड़ान होती है? ये देखो आप, उड़ान नहीं है लेकिन घर का पक्का होता है। अच्छा, ये इसमें श्याण बनती ज़्यादा होती है, एंटीक आँखों का कबूतर, ये नहीं जरूरी कि ये वो उड़ेंगे ही उड़ेंगे। देखो इस मादिन का ना तो भाई चेहरा है ना मोरा, पलके अच्छी हैं, पलके अच्छी हैं बस, और क्या। और इस मादिन का बच्चा उड़ाया आपने? अभी निकले थे दो सर्दियों में, तो मगर इस बार तो अभी निकले नहीं, नहीं निकले। ये पीलो का जोड़ा देखिए आशीष भाई, रिजल्ट बताएं आप इसका। इसका रिजल्ट भी अब मैंने बच्चे को बता रहा हूँ, 1.5 साल से उड़ाई नहीं, अभी जोड़ा भी लगाया था गर्मियों में सर्दियों में, तो बच्चे निकले थे इसके, एक तो दोस्त ले गया और एक मर गया था, दोबारा बच्चे नर की आंखों का शौक करा दो।
नर क्या होगा, शौक करो भाई। बहुत हिल रहा है, बहुत हिल रहा है भाई। ये सिंदूरी आंख है, आशीष भाई हमारे बोलते हैं सुरमई आंखें कह लो या फिर गहरी आंखें थोड़ा कह लो, लेकिन जैसा कलर है वैसी आंखें हैं, आप इसमें गौर फरमाइएगा। ये लो भाई, आशीष भाई ने दोबारा कहा तो इस वजह दिखा दें आपको। इसकी ऐसे फील हो, मैंने बहुत वीडियो बनाई होगी, लोगों ने देखा होगा मैंने जब बनाता था, काफी उनका शौक। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत भाई। और सबसे बड़ी अच्छी बात है इसका वजूद बड़ा था, छोटे वजूद का कबूतर है एकदम। पंजों का शौक करो भाई, ये नाखून देखिए, नाखूनों का भी रोल होता है भाई, लंबे नाखून होने चाहिए अच्छी अच्छी कबूतर की पहचान करने के लिए। पंजाबियों में ज्यादा देखा जाता है नाखून लंबे होने चाहिए, मतलब बिल्कुल चांदनुमा। गुलाब सरा नर कह सकते हैं, गुलाब सरा ही है भैया, गुलाब सरा कहते हैं इनको। ऐसे ऐसी एक और मैं और दिखाता हूँ, मादे ने इसकी भाई, इसका फेस कट और आंखें भाई हटाना नहीं आशीष भाई, एक सेकंड से और गौर से भाई देखो, एक शीशे जैसी आंखें होती हैं वो आप आंखों में चमक है, तरलता कितनी है ये देखो, अंदर तक आपको रिंग तक दिख रही होगी। और मादिन की खूबसूरत है चेहरे मोरे से, मैं आशा करता हूँ कि भाई आप इस पे थोड़ी बहुत तो छोटी मोटी कमेंट्स देंगे। वो छोटे से मादिन है, हाँ बहुत छोटे वजूद की मादिन है ये, इसके पर है। और ये भी मेरी कबूतरी खरीदनी हुई है, मेरे दोस्त ने गिफ्ट करी थी ये। अच्छा पीली, हाँ पीली गिफ्ट करी थी उसने, बता आशीष भाई आप ले जाओ इसको, वो ब्रीड करके से बच्चे लेके देखना कैसे आ रहे हैं। हाँ तो आशीष भाई अभी आपने उड़ाए निकले हैं, मैं उसी को दूंगा, वही उड़ा के देखेगा। अच्छा तो आपने उड़ाए नहीं है इसलिए ऐसा लग रहा है भाई, टाइम नहीं मिला आपको तो पता ही है। अच्छा वीडियो शूट करने का टाइम नहीं मिला उड़ाने की बात। आशीष भाई सर्दियों में वीडियो भर देंगे, आप टेंशन ना लो, बस आने वाली है, बात से शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी दोस्तों, ये नर की क्वालिटी देखी, ये भाई नीठा उस्ताद जी के हमारे यहाँ की ब्रीड है, उनके शागिर्द हैं, उनका नाम बताओ भाई शागिर्द, नाम अभी याद नहीं आ रहा मेरे को एग्जैक्ट। तो उनके जब उन्होंने नस्ल पूरी हटाई थी तो ये एक जोड़ा उन्होंने मेरे पास रखवाया था, तो मैंने इनको फिर 1000 रुपये में जोड़ा खरीद लिया था उनसे। अच्छा तो ये हाँ, मतलब वो पैसे ले नहीं रहे थे, लेकिन मैंने जान बुझ के दिया कि भाई कबूतर मर जाए भग जाए उसके लिए भाई पेमेंट रहेगी, तो ये नहीं सोचा कि बंदा लेके चला गया, नुकसान हो गया। अच्छा आशीष भाई ये जो अभी मैंने इस कबूतर में चीज़ नोटिस की, इसकी ना डोरे जो है येल्लो कलर की, गुलाबी आएंगे, गुलाबी तो इनका कुछ रोल होता है। अब उस्ताद जी मानते हैं कि भाई गुलाबी कबूतर जो डोरे में तो ज़्यादा उड़ता है, रात में अच्छी परवाज देता है। अच्छा तो मैंने उड़ाए नहीं तो मैं कह नहीं सकता। अच्छा इसके पंजे दिखा दो, गंडेदार कासनी कबूतर है ना ये, कासनी कबूतर है ये, दोबाज है, कासनी दोबाज। मादिन भी ऐसी थी, पट्टा भी ऐसे निकलता था। अच्छा भाई ये भी मादिन बीमार हो गई, जामुनी पंजे हैं इसके लिए। वैसे मैं मादिन लेके आया हूँ, जोड़े में अभी डाला नहीं है लेकिन दिखा देता हूँ, दिखा देता हूँ वो थोड़ा सा। आप नर पे शौक कर लीजिए पहले, नर तो ये हमसे नाराज है। तो ये उसकी फीमेल है, ये भी अनिल भाई से लेके आया था, अनिल नारायणा से, कासनी मादिन, क्योंकि उसकी ओरिजिनल मादिन मर गई थी, तावन जोड़ा था वो, लेकिन अब देखते हैं इसके साथ क्या रिजल्ट आता है। अभी आपने इसके बच्चे नहीं लिए? नहीं ये पिलके से जोड़ा खा गई है, ओ सॉरी कलपरे से, फुलसरे से। तो आशीष भाई ये जो आप ब्रीड लाए हो अनिल नारायणा वाले भाई से, तो आपके हिसाब से कबूतरी कितने की थी ये? भाई महंगी दी है वैसे मेरे हिसाब से, सिर्फ मैंने जोड़ा बन रहा था और कलर के हिसाब से मैंने इसके 1500 दे दिए। मेरे हिसाब से इस मादिन का देखा जाए 600-700 ज़्यादा रेट नहीं था। अच्छा लेकिन थी, हाँ तो आशीष भाई मैं आपको ना एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा, मेरी तरफ एक जाफराबाद पड़ता है, वहाँ पर इसकी कीमत 500-600 ज्यादा का नहीं है, नहीं नहीं 500-600 छोड़ो, 200 की भी नहीं, वहाँ पर 200 की भी मान लो, चलो लेकिन बन रहा है। लेकिन अब आपके पास रिजल्ट आएगा क्योंकि अनिल नारायणा वालों को कबूतर भी बहुत फेमस है और उन्हें पसंद, नॉलेज भी बहुत है। कबूतर है हमारे नर, दोनों दिखा रहे हैं, शौक करा रहे हैं आपको। एक ये कलसरा छापदार है और ये कलसरा वैसे फुलसरों में कह लो, कलसरों में कलसरा लाल सरे लालसरों में आता है। आशीष भाई ये कहाँ से मतलब ब्रीड आई है? ये तो मेरी नीठा उस्ताद जी का जो शागिर्द थे उनके यहाँ से आई थी, अच्छे बच्चे उड़ते थे इस घर के, पक्के हैं। और ये अनिल भाई के यहाँ से आए थे। मैं अभी एक कबूतर दिखाता हूँ, ये वाला दिखाता, ये भी परंत हो गया, बहुत अच्छा कबूतर, इसकी मादिन मर गई, जिन्होंने मेरी वीडियो देखी उसमें दिखा था, 2500 रुपये की मादिन थी वो, ये जोड़े 5000 का था जो अनिल भाई से आया। हाँ कहने के लिए आंध्रा वाले हैं, लेकिन नहीं ये प्योर कबूतर, उड़ान भी बहुत है इनमें, आंध्रा ही है, इसीलिए मैं इसकी पेमेंट दे दी थी कि चल ठीक है यार एक बार बच्चे लेकर देख लेंगे। लेकिन उससे पहले ये आंध्रा वालों की निशानी है, आंखें ऐसी ही होंगी इनकी, सिंपल होंगी, पीली आंखें होंगी एक बार मुझे ये, लेकिन उड़ान बहुत होती है इनके बच्चों में, उड़ान होगी बच्चों।
कंफर्म है, मैं कोशिश करूंगा और अच्छा। शायद इसका बच्चा का पड़ा होगा, मैंने किसी को देखता हूं नीचे का भाई, जरूर बताएं ये आंध्रा ब्रीड है भाई की। और ठंडे खून एकदम देखो कबूतर में, ठंडा खून हाथ में पता लग गया पकड़ के। ये देखो भाई गरम चांदनुमा पंजे हैं, कहते हैं ना चांदनुमा पंजे होने चाहिए। ये देखो लंबे नाखून, बहुत अच्छा कबूतर है ये। कुल मिला के ब्रीड ब्रीडर अच्छा है, ब्रीडर अच्छा है, बच्चे अच्छे बनाए। उड़ा ऊपर देखो, यहाँ देखो भाई आप इसकी बैठक, रंग रूप, छाती तक भरा हुआ कलसरा कबूतर है। फीका कलसरा कह लो, देवंदी कलसरा कह लो। एक और दिखाता हूँ कलसरा, एक जोड़ा ही है। क्या जबरदस्त कबूतर है। उन्होंने भाई सारे कबूतर बेच दिए थे, जिस भाई के यहाँ से आए थे काशने का जोड़ी, ये सी वो दो जोड़े रखे थे उन्होंने। भाई का इसके बच्चे कोई फेल नहीं होते थे, मतलब फेल होंगे नहीं क्योंकि ये लाइन ही ऐसी है। लाइन ही ऐसी, बहुत जबरदस्त कबूतर था ये, इसलिए मैंने भी रखा है इसको। भाई कोशिश पूरी है जो मैंने 80 कबूतर बेच दिए, इनको क्यों नहीं बेचा भाई, कुछ ना कुछ तो क्वालिटी है। पर देखेंगे भाई इनके, हम ये पर झाड़ के लिया है, अंदर ही परंद हो गए हैं कबूतर। ये देखो कितना खूबसूरत पल्ला है, पल्ला बहुत शानदार है इसका। 10वीं कल इसकी बड़ी हो जाएगी आज ये भी। और दुम भी देख लो, ये देखो कोई खुली नहीं, बंद दुम एकदम, बिल्कुल क्वालिटी वाली। ये देखिए कोई पकड़ के मैं ऐसे नहीं कर रहा कि भाई तुम बंद दुम देखो। ये देखो इसका सेकंड वाइब्रेशन भी है परों में, कितनी वाइब्रेशन। एक अच्छी पहचान होती है अच्छे कबूतर की, हाँ भाई ब्रीडर कबूतर है या हम उड़ा सकते हैं। बहुत शानदार है आंध्रा वाला ये भी है। हाँ अब इसके पंजे दिखा दो। ये देख लीजिए, ये देखो भाई बहुत ही खूबसूरत कबूतर आशीष भाई। ये देखिए और इसकी बैठक देखेंगे, कलचरा छापदार कह सकते हैं इसको। ये लो जी सही जगह आ गया है, जहाँ से आप फुल ब्यूटी में आ गया है। ये देखो भाई रिजल्टेड पेयर है सारे भाई के पास, अच्छे उस्ताद के शागिर्द। ये देखिए दोनों दोस्तों, एक ये जोड़े मेरा बहुत तावबंद है, इसमें नर आपके राइट हैंड में। हाँ और लेफ्ट हैंड में मादे, पहले नर का शौक करा था नर हमारा। दोस्तों ये भाई बंटी भाई हमारे जो अब बीच में नहीं रहे आप जानते हैं, उनकी आखिरी निशानी है। बहुत शानदार कबूतरी दी थी भाई बंटी भाई ने, आंखों की भी अच्छी। हाँ 700 रुपये की मादी ने, सोचो ऐसी मादी ने आपको 2000 रुपये में भी नहीं देगा कोई, मतलब उड़ती ब्लड लाइन कोई नहीं देता। बहुत रिकॉर्ड, बच्चे बड़े शानदार उड़ते, इसको तो नहीं उड़ाया मैंने। खैर चेहरा वाला देखो, छोटे से वजूद की मादी ने, कलपरी कल दूँ। तो कितने घंटे की रेंज है बता सकते हो इसके बच्चे? सिंपल मेरा दोस्त को दिया था मैंने, वो सिर्फ बाजरा और मिसदाना देता था। अच्छा 7-8 घंटे बच्चे उड़ के आते थे दोनों ही। तो आशीष भाई जाते थे सुबह और शाम को उतरते थे उसके पास, मतलब इतना तगड़ा ब्लड भाई अब दुनिया में ही नहीं रहे। हाँ उनके यहाँ की आखिरी। तो ये मादी यहाँ छोड़ के दिखाएंगे, इसका नर छोड़ दो कहीं नहीं जाएगी, कोई नहीं हम यहाँ दिखा देंगे इसका नर। वो जो वहाँ पड़ा वो दिखा देंगे। ये मादी ने भाई, और इसके साथ में ये नर है कलपरा कल दूमा। बाल के अभी हो गया ये, नीचे दिखाता हूँ हाथ में, दिखाता हूँ इसका जिंदा बच्चा है। आपको शौक कराते हैं इसको नीचे। नर से पहले भाई इसका बच्चा, बच्चा देखना देख, चेहरा देखना बच्चे का, बनाना तो नहीं आता मुझे लेकिन आप देखो, ये देखो देखो हम दिखाते हैं इसके चेहरे का। कबूतर बहुत शानदार चेहरा लिया अभी से इसने, जैसे 7-8 कली का बच्चा है, गारंटी है 8-10 घंटे उड़ेगा उड़ेगा ये। ये देखो आगे चल के भाई, अभी तो ड्रैगन फेस की तरह है और आगे जाके और ड्रैगन फेस होएगा। इसके पिताजी को पंजे का शौक करना भाई, इसके पंजा दिखाता हूँ। ये देखो भाई काले पंजे और चांद वाले पूरे लंबे लंबे दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। देखो अभी कितने कली का बच्चा है ये, 6ठी 7वीं कली आ रही है, 7वीं कली आ रही है। अभी सीधे कलपरा कल दो में हो जाएगा, वहाँ पे जाएगा भाई। चेहरा देखो आप, चेहरा यहाँ देखो, फीमेल होगी वैसे, मादी निकलेगी। ये देखो दोस्तों भाई नर का, भाई ये वो प्यारे हमारे आशीष भाई जोड़ा भाई, जिनके बच्चे 8-9 घंटे उड़ जाते हैं। अभी अभी बच्चा पाला सूखे में आ गया, इसको रिकवर करेंगे धीरे धीरे, अभी प्रोटीन वाला देंगे देख लो भाई चने पे थोड़ा, लेकिन अभी है नर में जान, ऐसी बात नहीं है। हेलो हाँ जी, ये खास जोड़ा है मेरा एक, उसका पट्टा है ये देखिए पहले। इसके बच्चों में खास बात है, अगर 2 दिन तुमने सिर्फ छत में जाली में रख के उड़ा दो तो घर वापस 3 दिन भी भटक के घर पे ही आएंगे, घर वापसी है। कलपरी का उतरी ये कलपोटन सी, मेरे साथ फीमेल बने कलपोटन है। अच्छा और ये देखो दुम पूरी काली है, लंगोट भी काली है, तो कलपोटन हो गए ना, कलपोटन। हाँ फीमेल है। अब इसके साथ जो नर लगेगा
लेंस इसका साफ नहीं कर रखा है, धुंधला आ रहा है इसीलिए। चलो कोई नहीं, और काली चोंच, काले पंजे, काली दुम, ये पट्टा है और इसका माँ बाप दिखा, माँ बाप दिखाता है भाई। आप आशीष भाई, मेन जोड़ों में से एक ये भी है भाई, इनके बच्चे भी बड़े भाई, दिल खुश हो गया जोड़ा देख के। इसका नर ऐसी था मेरा जो 10-10 घंटे उठता था, पुराने वीडियो उठा के देख लेना। अच्छा, उसमें खास बात है का छत में बैठा रहा, खड़ा रहूं ना, उतरता नहीं, उतरता नहीं था, वो भाग जाता था शक्ल दिखा। नहीं भाई, क्वालिटी वाइज ना बहुत तगड़े पेड़। इसका नर मर गया तो ये घर का पट्टा अंशुल यहाँ से आया था, ये मेरे पास बहुत उड़ता था, तो इसका जोड़ा फिर इससे लगा दिया था। और इसका अभी भी रिजल्ट अच्छा है कि अब जो बच्चे बन रहे भाई, ये मेरा 3 दिन भटक के आया था से उड़ गया था, कलर के बहुत खूबसूरत है, बहुत शानदार पट्टा भी ऐसी था, देखो आंखें भी यही है, बिल्कुल बिल्कुल। और मेरा मानना ये है कि यही आंखें उड़ती है, यही उड़ती है भाई, पाजी में तो यही उड़ती है। तो मैंटिक पेंट जितना मर्जी ले लो, कोई भी पूछना कितना एंटी वाले कितना नहीं उड़ता रहा है, नहीं उड़ता, सबसे पहले वही भाग के आएगा। वो सिर्फ शौक के लिए है, घर के पत्ते हैं शौक के लिए। और देख लो भाई, ये पल्ला भाई का, अभी भी अगर इसको उड़ा दूँ ना मैं ये, तो ये अपना काम करेगा। ये देखो भाई, असली पहचान, जिस भाई को कबूतर पहचानने में दिक्कत होती हो वो ये देख ले, चेहरा मोरा ना देखे, वो पंजे देख ले, जितने काले एकदम सारे काले हैं, मतलब कोई मिक्सिंग नहीं है इसमें ब्लड में। ये देखो काले पंजे होंगे, काली चोंच भी होगी, इसका पट्टा भी ऐसी था, देखा भाई खूब इसमें पक्का सफेद नान होता। और ये देखो चोंच भी पूरी काली है, बिल्कुल देख लो, जमीन भी काली है अंदर से, आंखों की जमीन देखिए, सिल्वर डोरी में, सिल्वर डोरी होना बहुत अच्छी बात है, इससे कबूतर वापसी अच्छी होती है। मादिन देखेंगे इसके, हम इसका पट्टा दिखाओ, ये भाई इसका बेटा है, जो ये बाप गया वो रहा पट्टा इसके पीछे, जो पलपोटिया ये रहा बाप पे गया है ये। इनकी खास बात यही है, दो पट्टे इसके दे दिए मैंने, बहुत बढ़िया है, दोस्त को दे दिए, साफ बदन का कलपोटिया हो गया। ये देखो बगल के भी 2-3 कुंदे काले हैं, 12-13 कुंदों की सफेद, सॉरी काली दुबाजन, काली दुबाज इधर के, ये देखो 11-12 इधर के, 12-12 पंजे दोनों तरफ के, 10 वो और साइड के 2, लंगोट भी काली, पंजे भी पूरे वाइट है देखो। इसे मतलब गोलेबाज हवा बीलिया बोलते हैं, हाँ जो भी बोलते हैं उतना पता नहीं है। ये अंडों पे बैठी थी शायद, हाँ अंडों पे बैठी हुई है अभी, बच्चे दिखाता हूँ मैं आके। और चोंच भी सफ़ेद और पंजे भी सफ़ेद, दाखी है मादिनी है, मोमी चोंच, हाँ इसका शायद बाप मेरे हिसाब से पंजाबी रहा होगा। अच्छा, ये क्रॉस ब्रीड है, हाँ ये मद्रासी और क्रॉस की ब्रीड है, क्योंकि इसका जो भाई था इससे जोड़ा था, जुड़ता था, वो भाई थे वैसे, दोनों भाई बहन थे, जोड़ा लग गए थे, और बच्चे भी ऐसी ऐसी इसका भाई, उसकी आंखें ये काली थी और ये पीली थी, इसकी ये काली, मतलब डिफरेंट हो गया, हाँ आँखों का फर्क था बस भाई। एक बार बैठक देखेंगे, कोई नहीं, हम यहाँ पे कोई नहीं, ये देखो लेकिन बैठक बड़ी छोटी सी वजूद की मार, ये देखो भाई, अगर किसी गोलेबाज की नजर पड़ गई वो नहीं जाएगा। ये देखो भाई, ये जोड़ा भी शायद रहेगा, इन्हीं का पट्टा है ऊपर, मजा आ गया भाई, बहुत ही खूबसूरत मादिन है ये, इसे कहते हैं वैसे एंटी गाइस। ये देखो भाई, आशीष भाई के पास एक हीरा है रा चोटियल, इसके लिए भाई मादिन चाहिए किसी के पास, अगर ऐसी सैंधी चोटीदार मादिन, आशीष भाई को कुंदे देखिए कॉल कर सकते हैं। इसकी मादिन भी ऐसी थी सेम, सिर्फ चोटीदार नहीं थी, और बच्चे ऐसे उनाती थी भाई जबरदस्त, पुरानी वीडियो खोल, आशीष भाई को भाई जरूरत है हरी मादिन की, अगर किसी सब्सक्राइबर एक जगह है कि बस जान नहीं पा रहा मैं। अच्छा आशीष भाई, इसके बारे में कोई हिस्ट्री बताओ, आपने कितने बच्चे उड़ाए हैं, कैसे उड़ाए हैं? इसके बच्चे मैंने कम से कम 6-7 उड़ाए हैं। अच्छा, क्या रिजल्ट है? अच्छा रिजल्ट है, 3-4 घंटे तो मेरे पास उड़े हैं के बच्चे, लेकिन घर के बड़े पक्के थे, कभी पार्टी बाजी बाजी में नहीं, उसके एक भी बच्चे आज तक जाया नहीं हुए, बाजी बाजी में उड़ाए हो, बाजी में तो उड़ाए नहीं अभी तक, उड़ाएंगे फ्यूचर, अब फ्यूचर में जरूर पक्का उड़ाएंगे, हम कोशिश करेंगे आपको, धंधे में सेट है, काम चल गया तो ये तो बाजी तो यार जिंदगी में उड़ाना है। तो ये शौक आपका पुराना है, ये कबूतर देख लो भाई का, और ये इसके काफी फैन है, और मैं स्पेशली दिखाऊँ आपको पंजे, ये देखो आप इसको, मैं नाखून देखिए सबसे पहले, कितने जबरदस्त पंजे स्टार वाले। आशीष भाई, इसकी ना दो प्रकार के नाखून है, इनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? कैसे ब्रेड क्रॉस ब्रेड लाइन होगी पहले से, हाँ पीछे इसके माँ बाप रहे होंगे कोई, तो क्या सफेद है उसमें, लेकिन कबूतर तो बहुत अच्छा है, कबूतर अच्छा है बस यही है। एक बार मैं इसका ना अपने हिसाब से चेहरा दिखाता हूँ, बाकी चोंच इसकी काली है, पंजे भी इसके पूरे काले होने चाहिए थे, लेकिन बीच में एक दो सफ़ेद भी आ रहे हैं। ये वैसे ऐसी फेस होता है ड्रैगन फेस का, कभी ड्रैगन कबूतर सच मानना, तो जो वीडियो पड़ी में दिखाऊंगा उससे पक्का घर का छत का कोई भी कबूतर नहीं, ड्रैगन सबसे ऊपर है। मतलब उसमें क्या, मतलब क्या बताना चाहते हो? ड्रैगन में ये बात है, अगर आज तुम कबूतर लाए और यहीं पे उड़ के तुम्हारा कहीं आसपास दीवार पे बैठ गया, अगली बार वो वहां से उड़ गया तो वहीं आके बैठेगा। पंजाबी कबूतर है, पुराने पंजाबी, अब तो खैर पंजाबी जो पतले छोटे वजूद के हो गए,
पहले के जो पंजाबी कबूतर होता है ना, रियल पंजाबी ओरिजिनल ब्रीड है ये, बहुत ही खूबसूरत पल्ला देखो, छोटे छोटे पल्ले। और इसका वजन आपको देख के लग रहा है बहुत भारी है, कुछ भी वजन नहीं, वजन नहीं होगा ये कबूतर, ऐसा है कि रेयर है, रेयर। अच्छा आशीष भाई आपने बताया ये निकल गया था पंजाबन, ये निकल गया था आपके यहाँ से, फिर बाद आया था भटक के, उससे पहले कभी छत पे भी नहीं बैठा था ये, मतलब ये यही इकलौता कबूतर है जो पहले मेरी छत पे उड़ना शुरू करा, इसमें मतलब पहली उड़ान जो दी थी, कोई कबूतर मेरी छत पे उड़ान नहीं था, मैंने इसको उड़ते हुए देखा अपनी छत। अच्छा, इससे शुरुआत हुई तीन दिन बाद, तीन दिन बाद वही पापा ने बताया, मतलब थाने में तो काम पे था कि कबूतर आगे बैठा है, मैं कहा नहीं होगा पकड़ लो, सोचा खोला जाल अंदर घुस गया, बाकी सब कबूतर कैच थे, अंदर बाहर करा उतर गया। ठीक है भाई, दिखाओ, याद के तौर पे रख रखा है इसको, निकालेंगे जब तक कबूतर मादिन ले लो, एक अच्छी सी पंजाबन, मुश्किल पंजाबन छोटी, जब शौक कर ही रहे हैं तो पंजाबन मादिन ले लो, पे जाना है, दोस्त ने बुलाया है, वो कह रहा है कि एक दो पंजाबी जोड़े ले जा। चलो तो वो आप एक जोड़ा और बता रहे थे गर्मियों में, अच्छा कह रहा है भाई तुम्हारे लिए जोड़ा। तो ये भाई देखो गुलाब शरनर, हमारे टोनी भाई मैरोली ऑल इंडिया चैंपियन, उनके यहाँ की ब्रीड है, 55 वालों में उड़ा था शायद 2019 या 20 में, 2 साल से तो मेरे पास ही है, ये पीली रो रहा है, खून निकल रहा है भाई। ये टोनी भाई की ब्रीड है जो ऑल इंडियन चैंपियन है, उनके 55 वालों में शाम को तरह ये 55 वाला क्या है आशीष भाई, लेकिन जो टॉप दिल्ली का उड़ता है 55 कबूतर होगा, 55 जिसमें हाँ। सारे उस्ताद उड़ाते हैं, 50 की हाँ 50 की टॉप 50 की एंट्री होती थी, जब मैं लाया था तो पट्टा था ये रंग लगा हुआ। अच्छा वो आपको गिफ्ट मिला था या ये गिफ्ट में मिला था, या आपने ये टोनी भाई ने अपनी तरफ से मेरे को दिया था शायद, मेरे को याद है हाँ, लेकिन बहुत ही उनकी भी मैंने वीडियो शूट करी थी तब लाया था, पसंद आ गया था पट्टा मेरे को, मैं ले आया था, पसंद भी आपकी लाजवाब है भाई। गुलाब सर है, इसी से मेरे गुलाब सर बने थे, इसकी मादिन की मैं सिर्फ आंखें दिखाऊंगा और पंजे भी दिखा दूंगा, उसमें क्या है थोड़ी सी पंजे, हाँ उसके थोड़ा दाना हो रहा है, चोट लग गई है, लाजवाब पेयर से सारे लाजवाब, अच्छे खिलाड़ियों की पहचान ही है कि कबूतर कैसा उड़ता हुआ देखना चाहिए। ये उड़ी हुई कबूतरी है मेरे पास भी, इसका नर, इसका जो बाप था वो नीठव साहब जी के यहाँ गुलाब सरा नर था, जो अभी नर ने दिखाया ना सेम ऐसी था, गहरी आंखें का, अच्छा फीमेल जो थी वो मैं कहीं से लेके आया था उसके क्रॉस, और ये भी बहुत उड़ी है, पंजों का शौक करिए देखिए, असली पंजे देखो भाइयों, जिसे बोलते चांद नुमा, अभी तक के सबसे लंबे पंजे हैं, और ये पट्टी मेरे हिसाब से दो दो ढाई साल की हो गई होगी उम्र इसकी, जिसे बोलते हैं चांदनुमा, प्योर चांदनुमा इसी को कहते हैं, ये पहचान अच्छी होती है, अभी उड़ा देंगे तो बहुत ज़बरदस्त उड़ेगी ये जाल खुलते में उड़ जाती थी, ये खास थी वेला मौज करके आती थी, वजूद भी छोटा सही है, ज़्यादा बड़ा वजूद नहीं है, जोड़ा ही है, ये भूरी मादिन है, भूरी हाँ जी। से एक बार आप सभी से ना इजाज़त लूँगा, ये आशीष भाई का केस है, दड़वा है जिसमें कबूतर के बच्चे बनाए जाते हैं, और बहुत ही अच्छे शौकीन है, सबसे बड़ी बात बहुत ही अच्छे यूट्यूबर हैं, 70,000+ इनके चैनल पे बंदे हैं जो इनको प्यार करते हैं, लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, कुछ कबूतर इधर एक जो इनके घर का बच्चा है ये हम दिखाना भूल गए, बहुत ही प्यारा है इनके लिए, बहुत ही ये देखो ओरिजिनल पंजे ये होते हैं गुलाबी, सॉरी माफ़ करना नीले पंजे, ठीक है भाइयों, तो ये मैं आपको वैसे दिखा देता हूँ, कुल मिला के जो हमने शौक किया आज बहुत ही अच्छा लगा, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा भाई से, काफ़ी टाइम से मेरे को कम से कम 6-7 महीने हो गए टाइम लेते लेते, आज कहीं जाके मुझे मौका मिला है कि मैं आशीष भाई का शौक आप सबको दिखा सकूँ, ये देख लो भाई, और ये आशीष भाई हमारे, आशीष भाई एक बार हमारे व्यूअर्स के लिए और सब्सक्राइबर का वीडियो कैसी लगी बताना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब भी करना भाई के चैनल का, ठीक है। हाँ भाई मैं पैसों के लिए काम नहीं कर रहा, सिर्फ शौक के लिए काम कर रहा हूँ, यार देखो शौक में अगर पैसा आ गया तो फिर वो तो धंधा हो गया ना, बिजनेस हो गया, वो शौक कहाँ रह गया, फिर शौक कहाँ रह गया ना, कोशिश ये करूँगा भाई अच्छी से अच्छी वीडियो लाता रहूँ, और आप सबका शौक यार, और शौक में अगर बिजनेस हो जाए तो वो अलग मुद्दा है, वो एक अलग हो गई कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर दो और कहीं ना कहीं मैं जाके आपके थ्रू तो नहीं, चलो अगर यूट्यूब खुश हुआ तो थोड़ा बहुत दे दें, बात की बात है, लेकिन शौक पहले है, शौक पहले ना, ठीक है भाइयों, जय हिंद जय भारत, फिर से मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में, और कोशिश करूंगा कि अच्छे खिलाड़ी के पास जाके आपको अच्छा शौक कराऊं। ये थे हमारे आशीष भाई, बेस्ट यूट्यूबर, मैंने ही इनसे इंस्पायर होकर अपना चैनल बनाया था, और आज मेरे ख्याल से सब्सक्राइबर तो अच्छे नहीं है लेकिन व्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे हैं आप लोगों की दया से, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।